निकाय चुनाव की सुगबुगाहट होते ही भाजपा ने जमीन पर तैयारियां तेज कर दी हैं। आज पार्टी मुख्यालय पर बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश भाजपा की नई टीम के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। सभी पदाधिकारियों को निकाय चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए। वहीं मायावती ने निकाय चुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपने की का नया दांव चल दिया है। निकाय चुनाव की चर्चा तेज हुई तो भाजपा के खेमे में बैठकों का दौर शुरू हो गया। पार्टी मुख्यालय पर सभी नव नियुक्त 45 प्रदेश पदाधिकारी और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बुलाए गए। काफी देर तक मंथन चला। पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले सियासी सेमीफाइनल की जिम्मेदारी सौंपी गई। आगामी नगर निकाय के चुनाव हैं, सहकारिता के भी चुनाव हैं, विधानसभा के 2 उपचुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं। ये सारी तैयारी अलग अलग माध्यमों से हम लोग कर रहे हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की इसमें भूमिका है। सबको दायित्व इन सब विषयों के लिए दिए गए हैं। निकाय चुनाव पर जो कानूनी तलवार खींची थी वो हट चुकी है। खास बात ये है कि निकाय चुनाव से पहले अमित शाह का यूपी दौरा भी होने वाला है। 7 अप्रैल को अमित शाह कौशाम्बी महोत्सव में हिस्सा लेंगे। उधर भाजपा की कोशिश OBC समाज तक एक बड़ा संदेश पहुंचाने की है। और अब 27% OBC आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी की बूथ से लेकर के और पूरे प्रदेश स्तर तक मजबूत तैयारी है। और हम नगर निकाय चुनाव में, चाहे वह नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर पंचायत, पार्षदों सहित बहुत शानदार सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले होने वाला सेमीफाइनल है। जमीन पर कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, इसका परीक्षण इसी चुनाव में होगा। उधर अखिलेश ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस बार भाजपा को घुटने पर लाएंगे। निकाय चुनाव में आप जहां जहां BJP के लोगों के नगर पालिका अध्यक्ष या मेयर रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आप बताओ कचड़े से शहर भर गए हों, गंदगी से शहर बस गए हों, आप कूड़ा ना उठा पा रहे हो, गंदगी साफ ना कर पा रहे हो, माँ गंगा का संकल्प लिया था माँ गंगा साफ हो जाएगी, मच्छर हैं, डेंगू वहीं ज़्यादा हुआ जहाँ BJP के मेयर थे। तो मुझे उम्मीद है इस बार जनता इनके सभी जो हैं बड़े पदों पर बैठे उनको हराएगी। सबकी अपनी अपनी तैयारी है और इस तैयारी के बीच सियासत की नजर मायावती की तरफ भी है, जिन्होंने पहले निकाय चुनाव में सांसदों की ड्यूटी लगाई और अब महिला कार्ड खेलने की तैयारी है। दरअसल मायावती निकाय चुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपने की तैयारी कर रही है। हर बूथ पर महिला टीम का गठन हो रहा है। अप्रैल के पहले हफ्ते में मायावती बड़ी बैठक भी कर सकती है। आगामी चुनाव को लेकर बसपा इस बार एक खास रणनीति तैयार कर रही है और ये रणनीति है आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की। इससे पहले बसपा युवाओं की फौज तैयार करने की योजना पर काम शुरू कर चुकी है और अब महिलाओं को लेकर भी बसपा एक खास रणनीति तैयार कर रही है। आगामी निकाय चुनाव में भी इसकी एक झलक देखने को मिलेगी। सूत्रों की माने तो बसपा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर महिलाओं की एक पूरी टीम तैयार करने की योजना बना रही है। अमूमन सभी सियासी दलों का फोकस जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने पर दिखता है, लेकिन बसपा इस बार इन दोनों समीकरणों को साधने के साथ युवाओं और महिलाओं को भी पार्टी से जोड़ने और उनके साथ सियासी मैदान में उतरने की तैयारी में है। सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस इस चुनाव में क्या करेगी, क्योंकि इसी चुनाव से तय हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति सबसे बड़े सियासी राज्य को लेकर क्या रहने वाली है। ABP गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।